आज का वीडियो ये खास होने वाला है क्योंकि नीचे की तरफ आप पार्किंग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पर ना तो लटक बीम दिया हुआ है, ऊपर केवल स्लेब बीम दिया हुआ था, तो उसको किस प्रकार हमने मजबूती के रूप में यहाँ पर ऊपर मजबूती को ध्यान में रखते हुए ऊपर की तरफ हमने क्या लगाए हैं जिससे कि हमने यहाँ पर ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर चुनाई की हुई है। ये जगह हमारे कम से कम 12 फीट है अंदर से अंदर, इस पिलर तक 12 फीट है और हमने ऊपर 14 फुट का एक पत्थर रखा हुआ है जो भी जोधपुर स्टोन में कटा हुआ है, जो अपने बहुत बड़ा बीम का काम करेगा। पीछे की तरफ हम इस प्रकार से चुनाई की जाती है यहाँ पे जोधपुर में इन्हीं पत्थरों के द्वारा जोधपुर में मिल जाएंगे आपको। और बाहर की साइड में जो एलिवेशन लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिंपल डिजाइन दे रखी है और बीच में आप जो मशीन कट खंडा जो आपको मशीन कटर पर आपको मिलेगा, ये आप एलिवेशन कह सकते हैं इसको, ये हमने लीरी 5.5-6 इंची लीरी को काट कर उस बीच में ग्रुप डाल के हमने इस चुने को की है। तो ये आप नीचे पत्थर देख सकते हैं, ये हमारा 14 फीट लंबा पत्थर है और 6 इंची जाड़ा, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक 14 फीट है। तो हमने जहाँ नीचे हमने ना तो केवल बीम दिया हुआ था और ना केवल स्लेब पर ये दीवार रखी थी और हमने ऊपर सोचा कि कमरा बना लिया जाए और नाल अंदर की तरफ रखी गई है, इसी कारण यहाँ पर एक पत्थर देखकर हमने यहाँ पर चुनाई का लोड काटते हुए ये अपने चुनाई हमने की है। इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नीचे आप कुछ भी हो बीम हो चाहे नहीं हो तो उसको आप इस प्रकार से काट सकते हैं, और आपने जहाँ पर कोई चुनाई नहीं करनी हो तो आप इस प्रकार से ये पत्थर देखकर अपने चुनाई कर सकते हैं। हमने जगह जगह यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर एक खड़ी चीन और ये सामने पत्थर देख के बिल्कुल इसको फ्री रख के, और आप इट्टे भी एलिवेशन के पीछे लगा सकते हैं, इसको वजन कम करने के लिए हमने यहाँ पर ईंटें लगाई हैं पीछे की साइड में आप देख सकते हैं, सिर्फ खड़ी ईंट पर ही हमने इस दीवार को रोकेंगे। और ये आप नीचे की साइड में पत्थर देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा पत्थर है, ये आपको कम से कम 12 फीट की केवल आपको छीन मिलेगी, इतना 1.5 फीट हाइट में इसकी है, 1.5 फीट तो इसकी हाइट है, 6 इंच इसकी मोटाई और लंबाई इसकी 14 फीट है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर ये काम किया हुआ है, यहाँ पर भी दीवार नीचे नहीं की हुई और ऊपर हमने ये पर जगह बनाने के लिए यहाँ पर टुकड़े रख कर छीने, ऊपर जगह आप फ्री स्पेस जो आप काम में ले सकते हैं। ये हमारे एक अलग साइड है जहाँ पर ये पिलर खड़े किए जाएंगे, जहाँ पर ये फुट बाई फुट के निमंड पिलर हैं, इसकी कॉस्ट आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर इसकी रेट में बता दूंगा कि हमारे कितने फुट के हिसाब से आए। ये हमारे यहाँ पर पिलर खड़े किए जाएंगे अभी हेड्रो की सहायता से, ये हमारे 6 पिलर हैं जिनको आप निमन पिलर कह सकते हैं, जोधपुर स्टोन बिना ग्रुप डाले हुए हैं क्योंकि पीछे की साइड में हमने चुनाई की हुई है और आगे की साइड में ये पिलर लगा कर हम बालकोनी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये फिट आपको 1 फुट में मिल जाएगा, फुट बाई फुट में चारों तरफ से फुट आएगा ये। रेट की बात करूँ तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कि इसकी रेट क्या है, और लंबाई की भी बात करूँ तो ये आपको कम से कम नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 22 फीट तक का भी पिलर आपको मिल जाएगा, सलंग पिलर 22 फीट तक का लंबा कम से कम आपको कितना भी मिल सकता है। हमने 22 फीट का भी पिलर लगाए हुए हैं, सिर्फ एक पिलर 22 फीट लंबा जिसको गोलाई में दिया हुआ है उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चुनाई का जो आप चुनाई करते हैं, तो चुनाई करने के बाद जो पिलर की मार्किंग आप पहले करें क्योंकि आपको पता रहे कि ये पिलर कहाँ खड़ा होगा, उसी प्रकार से ये आपने यहाँ पर मार्किंग कर रखी है, ये आप देख सकते हैं जहाँ पर ये पिलर खड़ा होगा, सिर्फ केवल बिना मसाला लगे हुए ना एरोलाइट किसी की मदद ना लेते हुए यहाँ पर सिर्फ केवल ये अपने सूखा यहाँ पर रखा जाएगा इसके ऊपर बिना मसाले की सहायता से, और ये बालकोनी आगे की तरफ हम लाएंगे इस बालकोनी को।
यहाँ पर भी हमने मार्किंग कर रखी है, जहाँ जहाँ पिलर आएगा वहाँ मार्किंग करके आप पिलर को वहाँ ऊपर की साइड में आप खड़ा करा सकते हैं, जिससे कि आपको केवल सावल देख नहीं रहे और मार्किंग के हिसाब से वहाँ पर पिलर खड़ा करने के बाद आप यहाँ पर खड्डी सीमेंट की मदद से इन पिलरों को एक एक सपोर्ट ज़रूर दें, जब तक आप आरसीसी ना करवाते हो तो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चुने की हुई, उसके ऊपर हमने कॉपिन रखने के बाद ये भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें, आप दीवार पर पिलर खड़ा करा रहे हैं तो दीवार के ऊपर कॉपिन रखने के बाद आप पिलर को खड़ा करें, जिससे कि एक तरफ लोड ना रख कर पूरा प्रॉपर लोड उसी दीवार पर रहे। या आप इस प्रकार से आप पिलर को बांधने पर भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें, हर कारीगर और हेड्रो वाला दोनों ही होशियार होने चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही ये पिलर या किसी भी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपका इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखें, जब पिलर बांध रहे हो तब भी आप पूरी सावधानी से इस पिलर को कवर करें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अलग से हेड्रो बुला कर हमने ये पिलर को खड़ा कर लिया है, और खड़ा करने के बाद इसकी पोजीशन सही प्रकार से देख लें कि इस प्रकार आप इसको खड़ा करें। ये इस प्रकार आप खड़ा करने के बाद इसको सही पोजीशन में लेकर इसको वहाँ मार्किंग की जगह पर इसको खड़ा करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और आप कमेंट करने पर मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हमारे यहाँ पर जोधपुर स्टोन और सुनई का काम जोधपुर के अंदर किया जाता है। आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।